बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम। आई एम योर मैथ्स टीचर मिस मदीहा नास, एंड टुडे वी विल डिस्कस आवर यूनिट नंबर 10, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हम शुरू से पढ़ते देखते आए हैं और अपनी जूनियर क्लासेस से ही। अब हमने उसे फर्दर देखना है कि ज्योमेट्री होती क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक शेप्स एंड लाइन्स। शेप्स और लाइंस ये ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट है। हेयर आर सम नंबर्स एंड शेप डैट एग्जिस्ट इन नेचर, कैन यू आइडेंटिफाई दैम? द मोस्ट कॉमन शेप्स वी सी इन आर सराउंडिंग्स आर ऑफन प्रेजेंट इन नेचर बट नॉट इमीजिएटली आइडेंटिफिएबल। देखें अब यहाँ पे क्या है, क्या बताया गया आपको कि मोस्ट कॉमन जो शेप्स हैं जो हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आती हैं और जो कि नेचर में भी प्रेजेंट है, वो कौन सी है? सबसे पहले बात की है स्फेयर की। अब स्फेयर क्या है कि दुनिया की हर चीज़ जो हमारी फेवरेट है, सन हो, प्लैनेट और सोप हो, ये सोप के बबल्स हों, ये सारे स्फेरिकल हैं, यानी कि स्फेयर शेप में है। उसके बाद है सर्कल। सर्कल यानी कि बिल्कुल गोल शेप कोई भी। इफ़ शेप इफ़ अ स्फेयर इज़ नेचर्स फेवरेट शेप कैन अ सर्कल सो फार बिहाइंड। अब है यहाँ पे भी सर्कल कहते हैं गोल दायरे को, क्लियर है। उसके बाद क्या है, अब हमारे पास नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब उसके बाद क्या था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है? वो स्टोन ड्रॉप्ड इन स्टिल वाटर प्रोड्यूसेस कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जब कोई भी चीज़ हम वाटर में फेंकते हैं तो जो फेंकने की वजह से पानी के अंदर जो सर्कल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। उसके बाद है इलिप्स। वन मे नॉट बी एबल टू सी एन इलिप्स इमीजिएटली बट द पाथ एट द अर्थ टेक्स अराउंड द सन इज इलिप्टिकल। कह रहे हैं कि हो सकता है कि इलिप्स फौरी तौर पर दिखाई ना जा सकती, लेकिन जो है पार्ट उसका अर्थ का सूरज के गिर्द घूमना, वो क्या होता है, इलिप्टिकल होता है, या फिर ये एक इलिप्टिकल शेप यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास ओवल। ओवल है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ सम फ्रूट सच एज कीविक्स एंड सम वराइटीज ऑफ पपायाज आर ओवल्स। वो कह रहे हैं कि अब ओवल वो शेप है जो के फ्रूट्स की शेप में भी आती है, जैसे कीविक्स हो गए या फिर पपाया हो गया। ओवल इज नॉट अ प्रिसाइज टर्म, ये कोई प्रिसाइज टर्म नहीं है। इट इज़ अ शेप डैट मे लुक लाइक एन एग और एन इलिप्स विद ब्रॉड एंड्स। ये एक एग की शेप भी है और यहाँ फिर इलिप्स की है जिसके एंड बहुत ब्रॉड होंगे। हम अपना नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाती है सबसे पहले हेक्सागोन। अब हेक्सागोन क्या है, द सेल ऑफ अ बी वार हेक्सागोन, दे हैव सिक्स साइड्स, स्नोफ्लेक्स आर फॉर्म इन अ मिलियंस डिफरेंट हेक्सागोनल शेप्स। अब क्या है, हेक्सागोनल किसे कहते हैं, बी हाइव्स की साइड्स जितनी भी हैं ये क्या है, ये हेक्सागोनल है अगर इसकी सिक्स साइड्स हों, क्लियर है। जैसे यहाँ पे भी एक शेप आपको बना के दिखाई है। उसके बाद है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल क्या है, द नोज ऑफ अ पर्सन लुक डैट फॉर्म द साइड इज ऑफन ट्राइंगुलर। के किसी भी इंसान का नोज जो है उसकी साइड भी क्या है, ट्राइंगुलर है। अ हेक्सागोन हैज सिक्स इक्वल ट्राइंगल्स। अब एक हेक्सागोन में सिक्स इक्वल ट्राइंगल्स होती हैं, जैसे कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स होगी। उसके बाद है द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ऑरेंज ऑफ अर लेमन शोज सेवरल ट्राइंगल्स अराउंड द सेंटर। अब एक लेमन हो या ऑरेंज हो, इसकी भी जितनी भी साइड्स होंगी ये क्या होती हैं, इसकी हर साइड एक ट्राइंगल को शो करती है। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन। अरे ऑफ अ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अलाउ सनशाइन टू पास थ्रू अ टाइनी होल्स इन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। टू ऑब्जर्व हाउ द सनलाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, शूटिंग स्टार्स ऑफन शूट्स इन स्ट्रेट लाइन। कह रहे हैं कोई भी लाइन जो सीधी हो, जैसे रोशनी अगर आप किसी भी चीज़ में से, कार्डबोर्ड में से गुजारते हैं, जो वो जैसे बिल्कुल सीधी जाती रहोगी, ये भी स्ट्रेट लाइन है। जैसे आपकी वॉल्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है, आपका पेपर बुक का इस वक्त देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के स्मॉल पार्ट्स ऑफ अ पैरेलल लाइंस कैन बी सीन ऑन द बैक ऑफ अ स्क्विरल, द टू वर्टिकल एजेस ऑफ अ पाम ट्री आर पैरेलल। जैसे बेसिकली पैरेलल उसे कहते हैं कि कोई भी लाइन जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने उसी ही शेप में मौजूद हो तो उसे कहते हैं पैरेलल। जैसे कि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हैं तो ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये टेढ़ी है लेकिन ये भी एक दूसरे के साथ सेम शेप में है, ये भी पैरेलल है। जैसे ये पैरेलल है, आपका स्कूल का बोर्ड पैरेलल है, बुक की ये वाली और ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल है, क्लियर है। आई होप कि आपको यहाँ तक हर एक शेप की समझ आ गई होगी। अब हम अपनी बुक के हाइलाइटेड लाइंस देख लेते हैं, वो कौन कौन सी। अब है पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन्स।
अब देखें सबसे पहले क्या करना है, पहली डेफिनेशन है यहाँ पे, लाइन सेगमेंट इज़ अ सीरीज ऑफ पॉइंट डैट इज़ बाउंड एट बोथ एंड्स। लाइन सेगमेंट बेसिकली किसे कहते हैं कि ये वो लाइन होती है जो दोनों जिसके लास्ट हो, जो बिल्कुल एंड हो जहाँ पे। अब जैसे कि है अगली, अ लाइन इज़ अ सीरीज ऑफ अ पॉइंट डैट एक्सटेंड इनफिनिटली इन बोथ डायरेक्शंस, और लाइन वो होती है जिसका कोई एंड नहीं होता, वो चलती जाएगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करें तो ये होगी लाइन सेगमेंट। क्लियर है कि वो पूरी 5 सेंटीमीटर की ही होगी, वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक लाइन ड्रॉ करें तो लाइन आप जितनी मर्जी ड्रॉ कर लें उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। उसके बाद है सरफेस इज़ अ फ्लैट एंड गोज ऑन टू इन्फिनिटी इन ऑल डायरेक्शंस। सरफेस क्या है कि ये भी इनफाइनाइटी तौर पर जाता रहेगा किसी भी डायरेक्शन में, ये भी एंड इसका नहीं होता। अब है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्लेरिफाई डैट, वो अब इम्पोर्टेंट क्या, लाइन हैज़ इनफाइनाइट लेंथ, कि एक लाइन जो है इसकी कोई भी वो नहीं होती, लिमिट नहीं होती, इसे जितना मर्जी बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद है द लाइन्स डैट आर ड्रॉन इन द बुक्स आर ओनली सेगमेंट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, के जितनी भी लाइन्स इसमें ड्रॉ की गई हैं ये सेगमेंट्स हैं स्ट्रेट लाइन्स के। उसके बाद है प्लेन आल्सो हैज़ इनफिनिट डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ। उसके बाद प्लेन क्या होता है कि ये भी डायमेंशन होती है लेंथ की और ब्रीथ की। द प्लेन ऑफ अ फ्लोर और अ सीलिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ द इनफिनिट प्लेन। अगर हम अपनी छत पे सीलिंग की तरफ देखा जाए तो, या फर्श की तरफ देखा जाए तो फिर ये भी क्या होगी, ये एक पार्ट है इनफिनिटी प्लेन का। क्लियर है। उसके बाद अगली डेफिनेशन है पॉइंट डैट, अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ ब्रीथ और हाइट। पॉइंट वो होता है जिसकी कोई भी लेंथ नहीं है, ब्रीथ नहीं है, ना ही हाइट है। अ ज्योमेट्रिकल पॉइंट इंडिकेट्स ओनली अ पोजीशन, इट हैज़ नो डायमेंशन, इसकी सिर्फ पोजीशन होती है, कोई डायमेंशन नहीं होती है। जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये सारी ये पॉइंट हो गए। आर लाइन सेगमेंट इज अ सीरीज ऑफ अ पॉइंट इज बाउंड एट द बोथ एंड्स, यानी सिंपल इसमें बताया हुआ है कि लाइन्स जो लगाई है, अब जैसे ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है सी। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पेज है हमारे पास, पेज नंबर 150, उसमें देखें अब आपके पास नेक्स्ट क्या डेफिनेशन है। नेक्स्ट वही पॉइंट को डिस्कस किया गया, आपका पॉइंट बता रहे हैं कि पॉइंट क्या क्या हो सकता है। इसके बाद एक लाइन यहाँ पे उन्होंने बोल्ड की है, वो क्या है कि एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट अगर है, ये सेंटर पॉइंट है ए, इससे अब हम अनलिमिटेड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। देखें इस तरह भी लाइन ड्रॉ की है, इस तरह भी किया, इस तरह भी किया, सीधी भी की है, वर्टिकल भी किया, हॉरिजॉन्टल भी किया, इसके अलावा भी बेशुमार अभी इस पॉइंट में से लाइंस ड्रॉ हो सकती है। और लाइन सेगमेंट इज़ स्पेसिफाइड विद टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के हमेशा दो होते हैं एंड पॉइंट्स, जैसे ये ए और ये बी, दो पॉइंट्स हैं, ये लाइन सेगमेंट है। उसके बाद अब रे किसे कहते हैं। रे का मतलब है अ रे स्टार्ट्स फ्रॉम अ डेफिनेट सोर्स एंड एक्सटेंड टू इन्फिनाइट ऑन द अदर साइड, यानी कि रे वो है कि जो एक स्पेस से तो शुरू हो रही है लेकिन वो आगे चलती जा रही है, उसका कोई नहीं पता कि ये कहाँ पे जाके स्कैंड होगा। जैसे ए से उन्होंने एक पॉइंट को शुरू किया, वो बढ़ता ही चलता जा रहा है, उसका एंड पॉइंट कोई नहीं है। अरे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट विद द अदर पॉइंट एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी, यानी कि एक पॉइंट उसका एंड पॉइंट है लेकिन वो दूसरे पॉइंट से बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद वैसे ही स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन भी आपने पढ़ी है कि स्ट्रेट लाइन में सिंपल सीधी लाइन्स जो होती है वो आपकी स्ट्रेट लाइन कराती हैं इनफिनाइट, और सिर्फ इसमें फ़र्क क्या होता है, लाइन इज़ कम्पोज ऑफ एन इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, लेकिन उसमें इनफिनाइट होता है कि वो नंबर ख़त्म कर देता है, कि या ना ही इस तरफ बढ़ती है और ये इस तरफ बढ़ी है, पर इन दोनों के पॉइंट क्या है, ये ए है और ये बी है। क्लियर है। थ्री और मोर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट। अगर तीन पॉइंट हो या तीन से ज़्यादा हो एक ही लाइन के ऊपर तो इन पॉइंट्स को क्या कहेंगे, कोलिनियर। जैसे यहाँ पे बी भी है, सी भी है, डी भी है, ये थ्री है, उसके अलावा ए भी है और ई भी है, फाइव हो गए टोटल, यानी थ्री या थ्री से ज़्यादा कोलिनियर हो गए। द पॉइंट्स नॉट लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट, के अगर कोई ऐसे पॉइंट्स हो जो एक सेम स्ट्रेट लाइन पे ना हो वो होंगे नॉन कोलिनियर। जैसे कि ये देखें ये स्कैटर किए हुए हैं पॉइंट्स, ये एक लाइन पे नहीं है तो ये क्या होंगे, नॉन कोलिनियर। उसके बाद है इफ़ टू और मोर लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट दे आर कॉल्ड कॉन्क्यूरेंट लाइन्स। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि टू पॉइंट्स या टू पॉइंट्स लाइन पासिस एक ही पॉइंट में से गुजरे तो वो क्या हो गए, कॉन्क्यूरेंट। द लाइन्स विच डू नॉट पास थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड नॉन क्यूरेंट, जो एक ही पॉइंट से नहीं गुजरती उन्हें क्या कहेंगे, नॉन क्यूरेंट। जैसे कि यहाँ पे देखें नीचे आपको एग्जांपल दी है, ये है दो लाइन्स कट हो रही हैं आपस में, इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब देखें यहाँ पे थ्री लाइन्स कट हो रही हैं लेकिन पॉइंट इनका एक ही है, सबका सेंटर पॉइंट यही है, यानी ये कॉन्क्यूरेंट है।
अब यहाँ पे थ्री लाइंस तो कट करनी है एक दूसरे को, लेकिन इनका पॉइंट एक नहीं है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, तो ये क्या हो गए, नॉन कॉन्क्यूरेंट लाइंस। उसके बाद लास्ट है आपकी डेफिनेशन प्लेन। अ प्लेन इज़ अ टू डायमेंशन सरफेस डैट हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ। वो कहते हैं कि प्लेन उसे कहते हैं जिसकी दो डायमेंशन होती है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है। जैसे कि इस साइड पे आप देख लें, आपको प्लेन की डायग्राम बनी नजर आएगी, ये चीज़ आपकी ब्रेथ है और ये चीज़ आपकी लेंथ है, क्लियर है। इसी तरह से अब आपने अपने बाकी इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ना और अपनी एक्सरसाइज को सोल्व करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।